ओ मैं लेटे ओ धरनी पर लेटे ओ जननी संग लेट करके बालक को कहाए जवान भये तिरिया संग लेटे ओ लेटत लेटत जन्म गमाए क्षीर सागर में लेटन हारे को नाम जुमा पे कबहू न ले आए लेटत लेटत और लेट भये चेताप लेटन के दिन आए कहना है बहुत सुंदर बात के गुरु ज्ञान के बिना गुरु ज्ञान के बिना हरि ध्यान के बिना जीवन जो अधूरो कन्या दान के बिना गुरु ज्ञान के बिना हरि सही बात है। गुरु बिना ज्ञान के अगर गुरु को ज्ञान ना हो तो शिष्य को क्या सिखाएगा, इसलिए गुरु ज्ञान के बिना। भगवान का ध्यान यदि करना है तो मन में संकल्प दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिन पूजा शंख बिना बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिन पूजा शंख बिना और हर किसान बिन कर्म ज्ञान बिन हर किसान बिन कर्म ज्ञान बिन कथा पुराण बिना और हर किसान बिन कर्म ज्ञान बिन कथा पुराण बिना गुरु ज्ञान के बिना हरि ध्यान के बिना जीवन है अधूरो कन्यादान सुंदर बात लिखी हमारे कवि महोदय जी ने कि नारी रूप बिन प्रजा भूप बिन पूजा धूप बिना नारी रूप बिन प्रजा भूप बिन पूजा धूप बिना हृदय पीर बिन मेला भीर बिन हृदय पीर बिन मेला भीर बिन नदिया नीर बिना हाँ हृदय पीर बिन मेला भीर बिन नदिया नीर बिना हो गुरु ज्ञान के बिना हरि ध्यान के बिना जीवन है अधूरो कन्यादान।
जैसे आप लोगों का भी अनुभव होगा कि संसार में एक दूसरे का जोड़ा बना हुआ है, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, किसी ना किसी का जोड़ा बनता है। अरे कृषि करम बिन ज्ञान मरम बिन नारी शरम बिना, अरे कृषि करम बिन ज्ञान मरम बिन नारी शरम बिना, और अरे जाति धर्म बिन हिरण चरम बिन, जाति धर्म बिन हिरण चरम बिन सिजिया नरम बिना, जाति धर्म बिन हिरण चरम बिन सिजिया नरम बिना, हो ज्ञान के बिना हरि ध्यान के बिना जीवन है अधूर कन्यादान के बिना। कान बिन धनुष बाण बिन काया प्राण बिना, अगर कान ना हो तो श्रवण कथा हो या पुराण हो कुछ भी हो श्रवण नहीं कर सकते। भगवान ने जो ये रचना की बड़ी सुंदर रचना है, लेकिन श्रवण कान बिन धनुष बाण बिन काया प्राण बिना, और वीरा पान बिन भगति ज्ञान बिन, वीरा पान बिन भगति ज्ञान बिन आदर्श महान बिना, के वीरा पान बिन भगति ज्ञान बिन आदर्श महान बिना, हाँ गुरु ज्ञान के बिना हरि ध्यान के बिना है अधूरो कन्या।